ट्रैक्टर हाउस। जैसलमेर नाम के गांव में बाजवा नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से खेत जोतकर बाद में अपनी ट्रैक्टर में उस फसल को मार्केट में ले जाकर बेचता था। क्योंकि बाजवा बहुत ईमानदार व्यक्ति था तो गांव वाले सब उसे ही काम देते थे। लेकिन उस गांव के मुखिया को बाजवा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन बाजवा अपने ट्रैक्टर पर काम पर जा रहा था कि तभी गांव के मुखिया ने उसे रोका। क्यों रे बाजवा, आजकल बहुत फुदक रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ एमएलए के पास जाकर कंप्लेंट करते हो। देखो भैया, तुम गलत काम कर रहे हो। तुम लोगों को क्या वादा करके प्रेसिडेंट बने हो, जरा सोचो। अरे मुखिया बनने के बाद सारा पैसा हड़प कर अपने ही जेब भर रहे हो, गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, बहुत फुदक रहे हो तो भैया तुम्हारे तो पर काटने ही होंगे। कहकर वहां से चला गया। बाद में अपने जान पहचान के एक बैंक के कर्मचारी से जा मिला और बाजवा के घर को नीलाम करने को कहा। तब बैंक के कर्मचारी बाजवा के घर गए और उससे कहा कि उसके घर को नीलाम करना होगा। साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज जरा सोचिए साहब। अभी अचानक अगर आपने नीलामी की तो मैं अपने परिवार के साथ जाकर कहाँ रहूंगा। देखो भैया, ये सब तुम्हें मुखिया से पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। कहकर जबरदस्ती उन्होंने बाजवा से उसका घर खाली करा दिया। यूं बाजवा की पत्नी, बाजवा और उसके बेटे तीनों घर का सारा सामान लेकर ट्रैक्टर के साथ एक पेड़ के नीचे जा ठहरे। देखा तुम्हारे मूर्खता का नतीजा। अरे तुम्हें क्या, कोई भी कुछ भी करे। अरे उस गांव के मुखिया के डर से किसी ने भी हमें अपना घर किराए पर नहीं दिया। देखा तुम्हारे नेकी और ईमानदारी आज हमें सड़क पर ले आई है। तभी एक साधु वहाँ पहुँचे। देखो बेटा, ईमानदार लोगों से ऐसी बात नहीं करते। अगर सभी स्वार्थी बन गए तो जमीन पर एक भी पेड़ नहीं उगेगा। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे ट्रैक्टर को मैं घर में बदल दूंगा। जब भी बाजवा को काम पड़ेगा तो ये साधारण ट्रैक्टर में बदल जाएगा और बाकी समय ये ट्रैक्टर हाउस में बदल जाएगा। कहकर उसने ओम भीम फट, बस बाजवा का ट्रैक्टर एक आलीशान ट्रैक्टर हाउस में बदल गया। ये देखकर लक्ष्मी, बाजवा और उसका बेटा बहुत खुश हुए। तब साधु गायब हो गया। यूं दिन में बाजवा ट्रैक्टर के साथ काम पर जाता और शाम को वो ट्रैक्टर घर में बदल जाता। यूं ट्रैक्टर को घर में बदलते हुए देखकर लोग हैरान हो गए। ये खबर अपने अनुचरों के द्वारा प्रेसिडेंट तक पहुंची। मेरे खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी बाजवा चैन की नींद सोता है। कल जब वो खेत जोतने आएगा तो उसके ट्रैक्टर को वहाँ पर आग लगा दो, तब देखते हैं कि उस साधु का वरदान कैसे काम करता है। अगले दिन खेत जोतने के बाद बाजवा एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। तभी प्रेसिडेंट और उसका आदमी ट्रैक्टर के पास छुपकर आए और ट्रैक्टर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाजवा का ट्रैक्टर ना जलकर दूर खड़े मुखिया के ट्रैक्टर जलने लगे। ये देखकर मुखिया, अरे ये क्या, मेरे ट्रैक्टर जल रहे हैं? चलो पहले आग बुझाते हैं। कहकर दोनों वहां दौड़े दौड़े गए और उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे वो पानी डालते गए आग की लपटें और तेज हुई। और थोड़ी ही देर में वो ट्रैक्टर सारे जलकर राख हो गए। ये देखकर गांव का मुखिया रोने लगा। तब बाजवा मुखिया के पास आया और मेरे ट्रैक्टर को जलाने वाले थे, हाँ? देखा इसका अंजाम, बेचारा तीन ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। लेकिन कौन विश्वास करेगा
कि ये ट्रैक्टर जल गए। अरे इसका तो तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे। बेचारा, अरे अब तुम इसके किश्त नहीं भरोगे तो बैंक वाले आएंगे और तुम्हारे घर को नीलाम कर देंगे। देखा, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है। भला करोगे, कहकर वहां से चला गया। मुखिया सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। बाद में बाजवा ने खूब मेहनत करके अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। बैम्बू फुल गोट फ्राई। चिरोल नाम के गांव में लक्की और डिक्की नाम के दो दोस्त रहते थे। वो पढ़े लिखे जरूर थे लेकिन कोई काम वाम नहीं करते थे, यूं बस आवारागर्दी करते रहते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन दोनों को बुलाया। सरपंच उन दोनों से, ए लक्की डिक्की, मैं जानता हूँ तुम दोनों कितने निकम्मे हो, हैं जी, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए एक डील लेके आया हूँ, समझे। अगर तुम दोनों ने ये काम किया तो तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, समझे। तब लक्की, अरे सर पंजी, ये फालतू के बातें छोड़ो और काम की बात करो, हम सोच के तय करेंगे कि क्या करना है। तब सरपंच अपने मन में, अरे इन कमबख्तों की जबान बहुत चलती है, मौका देकर इन्हें सबक सिखाना होगा। सरपंच फिर उन दोनों से, भाई पिछले बार जब मैं शहर गया था वहाँ मैंने बैम्बू फुल गोट फ्राई खाया था, वो बस बहुत मजेदार था, समझे। मैंने सुना है कि उस रसोइये ने दूसरे देश से कैसे बनाते हैं सीखे आया और यहाँ उसने दुकान खोल ली। मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव में भी उस दुकान को खोलें, इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है, समझे लक्की। अरे सरपंच, मैं तुम्हारी ये घटिया सोच समझ गया, यानी तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे दुकान में बैठे, है ना। तब सरपंच, अरे कमबख्तों, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हर रोज बकरी चुरा कर लाओ और मैं उसे काट कर बेचूंगा, उससे जो मुनाफा मिलेगा हम तीनों बांट लेंगे, बुझे। काफी देर तक सोचने के बाद लक्की और टिक्की मान गए। यूं उस दिन से आस पड़ोस के गांवों से लक्की और डिक्की बकरियां चुरा कर लाते और सरपंच को उन्हें सौंप देते। सरपंच उन बकरियों का बैम्बू फुल गोट फ्राई बनाकर लोगों को खिलाने लगा। क्योंकि दूसरे दुकानों के मुकाबले यहां कम दाम में मिलता था, लोग भी उसे खरीदने के लिए यहां उमड़ने लगे। यूं कुछ दिन बीतने के बाद लक्की और डिक्की सरपंच के पास आए। लक्की सरपंच से, अरे सरपंच जी, पूरे 100 बकरियां दी हैं हमने आपको, आप हमारा हिस्सा हमें दे दो तो हम दोनों आराम से सैर करके आएंगे कुछ दिन के लिए। तब सरपंच, अरे 100 बकरियां दी हैं तो क्या हुआ, पूरे मेहनत से बैम्बू फ्राई बनाकर मैंने ही तो उन्हें बेचा है ना, तो इस हिसाब से 90 बकरियां मेरी हैं, बाकी जो 10 बकरियां बची हैं उनके 5-5 बकरियों के हिसाब से तुम पैसे लो और यहां से चलते बनो। डिक्की, मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ गड़बड़ करोगे जरूर, यानी तुम कहते हो कि खाना बनाना मुश्किल है, क्यों? अरे इन बकरियों को चुराना कोई आसान काम नहीं है। अब देखो सरपंच, ज्यादा होशियारी ना करो और चुपचाप हमारा हिस्सा हमें दे दो, वरना सोच लो तुम्हारा ये हाल करेंगे कि गांव वाले तुम्हें पूरे गांव में भगा भगा कर मारेंगे। बस सरपंच को गुस्सा आ गया, उसने अपने जान पहचान के एक एसआई को फोन लगाया और उसे वहां बुलाया। सरपंच एसआई से, अरे एसआई साहब, पहले आप इन दोनों को गिरफ्तार कीजिए, ये कमबख्त मुझे चोरी के बकरियां बेचने वाले थे। एसआई, अच्छा, आजकल बहुत कंप्लेंट आ रहे हैं कि बकरियां चोरी हो गई, ये चोरी करने वाले यही कमबख्त हैं। तब लक्की, अरे साहब, ये सरपंच सरासर झूठ बोल रहे हैं, सच तो ये है कि चोरी ये खुद करते हैं, हमारे घर से बकरियां चुरा कर ला रहे थे, तब हमने इन्हें रोका और पूछने लगे तो हमें धक्का देकर उन बकरियों को यहाँ ले आए और ये बैम्बू मटन फ्राई का दुकान खोल बैठा। हम उस चोरी के बारे में पूछने यहाँ आए तो हमारे खिलाफ ही चोरी का इल्जाम लगा दिया, हमने उन चुराए हुए बकरियों के खाल को अपने दुकान के पास ही इन्हें गाड़ कर छुपाते हुए देखा, आप चाहो तो वहाँ पर खुदवा कर देख लो, आपको सारे चुराए हुए बकरियों के खाल वहाँ मिल जाएंगे। तब एसआई ने उन सबको बुलवाया जिनकी बकरियाँ चोरी हो गईं।
फिर लकी और डिक्की ने जब वहां खुदाई की तो उन्हें बहुत सारे बकरियों के खाल मिले। उन खालों को देखकर लोगों ने पहचान लिया कि ये उन्हीं के बकरियों के खाल हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सरपंच को पकड़कर खूब मारा। फिर एसआई ने सरपंच को गिरफ्तार किया और उसे थाना ले गया। तब लक्की से डिक्की, देखा इस कमीने को, हमें नौकरी नहीं दी लेकिन हमें चोरी सिखा रहा था, अब आए इसके अकल ठिकाने। बस अब इस मार से एक तो इसका सरपंच का पोस्ट गया, अब लोगों से पंगा नहीं लेगा। यूं दोनों हंसने लगे।